दोस्तों आज इस वीडियो में बताने वाले हैं एक्सिस बैंक का एड्रेस चेंज कैसे करें, अपडेट कैसे करें, जिससे अगर आपका एक्सिस बैंक में अकाउंट है या फिर एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, और दोस्तों अगर आप अपना एड्रेस को चेंज करना चाहते हैं एक्सिस बैंक का, तो कैसे आप एक्सिस बैंक का एड्रेस को चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो एक्सिस बैंक का एड्रेस चेंज करने के लिए आपको जो है एक्सिस मोबाइल ऐप को ओपन कर लेना है। उसके बाद इसमें फर्स्ट टाइम आपको रजिस्टर करना होता है। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन है, लॉगिन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको एम पिन डाल करके लॉगिन कर लेना है। अगर आपने फिंगरप्रिंट सेट किया होगा तो यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट टच करके अपना एक्सिस मोबाइल ऐप को ओपन कर लेना है। उसके बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा मोर का, तो आपको क्या करना है मोर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, देख सकते हैं सर्विसेज का, तो आपको क्या करना है इस सर्विसेज वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फिर से आपको कई सारे ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा माई प्रोफाइल का, तो आपको क्या करना है इस माई प्रोफाइल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पर हम माई प्रोफाइल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ सेकंड का लोडिंग लेगा। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो करेगा अपडेट एड्रेस का, तो आपको क्या करना है अपडेट एड्रेस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे जो भी आपका एक्सिस बैंक में एड्रेस है वह एड्रेस आ जाएगा, जिसे यहाँ पर देख सकते हैं परमानेंट एड्रेस शो कर रहा है जो कि यहाँ पर है। और दोस्तों नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं करंट एड्रेस शो कर रहा है। अब दोस्तों आपको जिस एड्रेस को चेंज करना है उसे आपको सेलेक्ट करना होगा, जिससे अगर आपको करंट एड्रेस को चेंज करना है तो आपको उसे सेलेक्ट कर लेना है। एक्सिस बैंक की तरफ से जब भी आपको कुछ भेजा जाता है, जैसे आपका डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, तो दोस्तों वह जो आपके करंट एड्रेस पर आता है, तो दोस्तों आपको जिस एड्रेस को चेंज करना है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे अगर आपको करंट एड्रेस को चेंज करना है तो आपको क्या करना है इस ऑप्शन के ऊपर टिक कर देना है। चलिए इसके ऊपर टिक करेंगे। अगर आपको परमानेंट एड्रेस चेंज करना है तो दोस्तों आपको जो है इसे सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको दोनों चेंज करना है तो यहाँ पर आप दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मुझे जो है करंट एड्रेस ही चेंज करना है। यहाँ पर मैंने करंट एड्रेस को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आपको एड्रेस प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा, जिसके लिए यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो आप एड्रेस को अपडेट करके रखना चाह रहे हैं, अगर वह एड्रेस आपके आधार कार्ड में है तो यहाँ पर दोस्तों आप जो इंस्टेंट अपना एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं आधार ओटीपी के थ्रू, यहाँ पर आपका इंस्टेंट जो है अपडेट हो जाएगा। या फिर दोस्तों एड्रेस प्रूफ के जगह में आप जो है ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं या फिर वोटर आईडी कार्ड भी दे सकते हैं। तो एक्सिस बैंक में एड्रेस अपडेट करने के लिए, चेंज करने के लिए जो भी आप प्रूफ देना चाहते हैं उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्या करना है प्रोसीड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर दोस्तों आप आधार कार्ड को सिलेक्ट किए होंगे तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड का नंबर डालना है या फिर वर्चुअल आईडी नंबर डालना है। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी कार्ड सिलेक्ट किए होंगे तो आपको उसका नंबर डाल देना है। उसके बाद इसका टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। दोस्तों अगर आप आधार कार्ड से एड्रेस को अपडेट कर रहे होंगे तो जैसे यहाँ पर आप ओटीपी डालेंगे उसके बाद आपका एड्रेस आ जाएगा जो भी आपके आधार कार्ड में है। मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा जिसको सबमिट करेंगे, फिर आपका एक्सिस बैंक में एड्रेस जो है अपडेट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मुझे दोस्तों एड्रेस अपडेट करने की जरूरत नहीं है, आगे का प्रोसेस काफी आसान है, सिर्फ आपको ओटीपी डाल करके सबमिट करना है, आपका एड्रेस अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक्सिस बैंक में एड्रेस को चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।